ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। बाबूजी मैंने आपको कितनी बार कहा है ना कि मेरे घर में ना आपका ये सब भजन कीर्तन नहीं चलेगा, तो भी आप मेरी बात ही नहीं मानते। आपको याद है ना बाबूजी, मेरी परम पूज्य स्वर्गवासी सासू माँ जो थी ना, उसने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर करके स्वर्गवासी हो गई वो, और आप अभी यहाँ पे बस एक बेबस लाश की तरह पड़े हुए हो। पर आप मेरी बात ही नहीं सुनते हो, बस अपनी मनमानी करते रहते हो। मुझे परेशान मत करो बाबूजी, आपका जो प्यारा लाडला सा बेटा है ना राज, वो मुझे इस घर की नौकरानी बना के लाया है, बहू नहीं। और आपकी वजह से ना अभी मैं एक नर्स बन गई हूँ, नर्स। सुबह शाम दवाइयाँ दे दे के ना छी परेशान हो जाती हूँ मैं, उसकी गंदी बदबू ना मैं टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ अभी। मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ अरमान है, क्या क्या चाहिए था मुझे, पर आपकी वजह से ना सब फ्लॉप हो गया, समझे आप। आपको ना मैं एक सलाह दे रही हूँ, जब मेरा छोटू बेटा आशु हॉस्टल जाएगा ना, तब आप अपने मर्जी से राज से कहोगे कि बेटा मैं भी अपनी मर्जी से वृद्धाश्रम जाना चाहता हूँ, और अगर इस बीच में मेरा नाम आया ना तो याद रख लेना आपका गेम ओवर। कैसे बाबूजी, आपको अस्थमा है ना, तो आपका जो पंप है ना वो मैं छीन लूंगी आपसे, और फिर आप खत्म। नहीं तो एक दूसरा आइडिया है, आपको डायबिटीज है, आपको मैं इंसुलिन के इंजेक्शन देती हूँ ना, क्या करें, पर आपको मठेरा बहुत पसंद है ना, मीठी चीजें और स्पेशली मोती चूर के लड्डू, तो मोती चूर के लड्डू ना आपके मुंह में ठूस ठूस के मार डालूंगी मैं आपको, समझा। इसलिए मेरी बात मान लीजिए बाबूजी, मैं आपकी इकलौती बहू जो हूँ लाडली सी, इतनी सी बात तो मानेंगे ना आप मेरे लिए। थैंक यू बाबूजी।